तो हम स्पॉन हो गए और ये जंगल फॉरेस्ट है। ठीक है, मान लिया वो टाइगर बायो में। भाई गलती हो जाती है कभी कभी। 100 से भी अधिक लोगों ने मुझे बताया कि वो टाइगर बायो में है। भाई माइनक्राफ्ट इतना बड़ा है, इसमें इतनी सारी चीजें हैं, कैसे आदमी जानेगा। हो सकता है ऐसा बोल के मैं बच जाऊं। तो भाई पिछले वीडियो के एंड तक मैंने एक घर बना लिया था और अभी रात है तो अभी हम बाहर नहीं निकल सकते। तो इस प्यारे से छोटे से घर में मैं बिता रहा हूँ अपना रात। तो चलिए अब देख लेते हैं पहले अचीवमेंट्स को कि हमने क्या क्या अचीव किया अभी तक। तो देखिए जो जो अचीव हो चुके हैं उनका पूरा बार फिल हो चुका है। 4% हमने अचीवमेंट किया हुआ है, जिसमें से पहला है गेटिंग ने अपग्रेड कंस्ट्रक्ट अ बेटर पिकैक्स। तो पिकैक्स हमने बनाया था, टाइम टू माइन यूज प्लैंक्स एंड स्टिक्स टू मेक अ पिकैक्स, ये भी कर लिया था। गेटिंग वुड पंच अ ट्री अंटिल अ ब्लॉक ऑफ वुड पॉप्स आउट, तो ये भी हमने कर लिया था। टेकिंग इन्वेंट्री ओपन योर इन्वेंट्री, चलिए ये भी कोई टास्क है, चलो ये भी कर लिया था। बेंच मेकिंग यानी कि हमने क्राफ्टिंग टेबल बनाया था वो भी हो गया। अब यहाँ से हमारा आधा अधूरा चालू होता है। इसमें कंस्ट्रक्ट वन टाइप ऑफ ईच टूल है, यानी कि हमको हर टाइप का एक टूल बनाना है। डिस्कवर 17 बायोम्स बाकी है, तो अभी तो हम एक ही या दो बायोम तक पहुँचे हैं। प्ले फॉर 100 डेज, ये बहुत टाइम लेगा, तो ये भी अभी बाकी है। फिर हम इस वीडियो के लास्ट में कंपेयर करेंगे कि हमने क्या अचीव किया इस वीडियो के एंड तक। वैसे ये दिखाकर मैं खाली टाइम पास कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इंतज़ार है सुबह होने का। फिर जैसे ही सुबह होगी हम निकलेंगे नए एडवेंचर पे। तो देखिए ये हमारा स्टीव है और देखिए कैसे नाच रहा है, ओहो इसे क्या खुशी मिल गई भाई। और भाई एक बात और, वीडियो को लाइक जरूर कर देना भाई, इससे मुझे पता लगेगा कि आपको सीरीज पसंद आ रही है कि नहीं। तो लो भाई सुबह हो गई, यानी बोरिया बिस्तरा पैक करने का टाइम हो गया। तो जितने भी चीज़ें हैं उनको मैं अभी रख लेता हूँ क्योंकि भाई बस यही है मेरे पास, और ये खो गए तो मैं कहाँ जाऊँगा। तो मैंने पहले वीडियो के कमेंट्स पढ़े, खूब सारे कमेंट्स आए थे, बहुत सारे सजेशंस आए थे, मज़ा आया पढ़ के। अब भाई मैं सबको तो ऐड नहीं कर सकता, लेकिन कुछ कुछ को मैं ऐड ज़रूर करूँगा जिनको मैं फॉलो करूँगा। जैसे कि कुछ लोगों ने मुझे बताया था कि पास में ही एक ज़ॉम्बी विलेज है, तो हम वहाँ जाएंगे आज और देखेंगे कि क्या क्या हमें वहाँ मिलता है। तो वहाँ पहुँचते पहुँचते मैं उन लोगों का शाउट आउट दे दूँगा जिन्होंने मुझे ये सजेशन दिया था और मुझे बताया था कि पास में मेरे एक ज़ॉम्बी विलेज है। तो ये देखिए इस गेम में मेरा पहला घर है, मेरा प्यारा सा घर। मैं इसे तोड़ूंगा नहीं, इसे यादगार के तौर पे रखूंगा। जब हम सीरीज़ के एंड में आएंगे तब इसे वापस विजिट करेंगे ताकि हमारी यादें मेमोरीज ताज़ा हों। तो भाई अलविदा मेरे घर, छोड़ने का मन तो नहीं कर रहा। लगता है ज़्यादा हो गया। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं नेक्स्ट डे की, एपिक डे की। मुझे इस डायरेक्शन में जाना है क्योंकि ज़ॉम्बी विलेज का जो कोऑर्डिनेट है वो इसी साइड है। क्योंकि वैसे तो कई लोगों ने मुझे इसके बारे में बताया, पर सुनील कुमार वर्मा ने इसके बारे में मुझे पहले बताया था, फिर धर्मेंद्र शाह ने मुझे इसके बारे में बताया। अरे फॉक्स, अरे उसने कि चिकन को मार दिया। हे फॉक्सी फॉक्सी, आप बताइएगा मुझे इसे टेम कैसे करते हैं, मुझे ये नहीं मालूम। क्या फॉक्सेस टेम हो सकते हैं? तो कॉर्डनेस तो आप लोगों ने देख लिए है कमेंट्स में कि मुझे कहाँ जाना है। वो इस नदी को क्रॉस करके मुझे वहाँ ऊपर चढ़ना पड़ेगा, फिर ऊपर से जाना पड़ेगा, तब मुझे मिलेगा वो विलेज। लेकिन भाई वो विलेज ज़ॉम्बीफाइड कैसे हो गया? भाई क्या हुआ था वहाँ? क्या वहाँ मॉन्स्टर्स का हमला हुआ था? मॉब्स ने वहाँ हमला कर दिया और पूरे के पूरे विलेजर्स वहाँ के ज़ॉम्बी बन गए। हालांकि मैं जानता हूँ कि उन्हें हम गोल्डन एप्पल से ठीक कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त ना मेरे पास गोल्डन एप्पल है ना ही इसकी ज़रूरत, तो उन्हें मुझे अफसोस मारना ही पड़ेगा। मैंने एक बात इस बायो में गौर की है कि यहाँ पर मुझे शीप्स नहीं मिले। जो भी वाइट कलर की चीज़ मुझे दिखती है तो पास में जाके मुझे पता चलता है कि वो चिकन है। तो फिर मैं बेड बनाऊँ कैसे? शायद जिस विलेज में मैं जा रहा हूँ वहीं से मेरे को उधारी लेना पड़ेगा। अरे भाई ये क्या, ये तो ब्लॉक है डर्ट का। अरे कहीं आसपास एंडरमेंट तो नहीं है?
तो एक काम मैंने अभी तक नहीं किया कि इस बायोम में होते हैं बेरीज, जंगल के बेरीज होते हैं, उन्हें मुझे कलेक्ट करना पड़ेगा। हालांकि इस सीरीज में मुझे खाने के वादे तो नहीं होने वाले, क्योंकि अभी जिस विलेज में मैं जा रहा हूँ वहाँ मुझे खाने की चीज़ें तो मिल ही जाएंगी, साथ ही साथ मुझे बहुत सारे सीड्स भी मिल जाएंगे। तो ये हैं वो जंगल बेरीज, देख के ध्यान रखना पड़ेगा। ये कांटे वाले होते हैं, ये पास जाने पर डैमेज करते हैं, इसलिए दूर से ही इन्हें रखना पड़ेगा। ये प्रोटेक्शन के भी काम आ सकते हैं। अगर मैं बेरीज का एक लेयर लगा दूँ तो रात में कोई भी मॉन्स्टर अगर उसे क्रॉस करेगा तो उसे झटका ज़रूर लगेगा। बस मुझे लग रहा है कि मैं पास में ही हूँ। फिर हम उस विलेज में जाएंगे, थोड़ी लूटपाट करेंगे, उनके थोड़े खजाने पे हाथ वाथ साफ करेंगे और उनका बेड चुरा के वहाँ से भाग जाएंगे। क्योंकि मुझे भाई वहाँ घर वर तो बनाना नहीं है, मैं घर बनाऊँगा किसी ओपन वाले जगह पे, जहाँ मुझे एकदम सूटेबल जगह लगेगा। वैसे कई लोगों ने कमेंट्स में मुझे कहा था कि आसपास प्लेन जगह है, लेकिन वो जगह काफ़ी दूर थी भाई। तो वही वो दूर से दिख रहा है, मिल गया मुझे मकड़ी के जाले, आपको दिख रहे हैं, वही है हमारा विलेज। तो फिर मैं इस साइड क्यों जा रहा हूँ? अरे भाई, मुझे तलवार बनाने, सबसे पहले ज़ॉम्बीज़ को मैं पिकेक्स से तो नहीं मारूंगा ना। टडा, ये है बुट एक्स। ये उन लोगों के लिए जिन्होंने मुझे कमेंट्स में कहा था कि मैं हाथ से या फिर पिकेक्स से तोड़ता हूँ लकड़ी। जस्ट जोक्स अपार्ट, बहुत अच्छा लगता है भाई, आप लोग कमेंट करते हैं, मुझे बताते हैं। तो भाई यहाँ से है स्टार्टिंग। ओके, तो यहाँ से सबसे पहले मैं कुछ स्टोन्स निकाल लेता हूँ ताकि उनसे मैं तलवार बना सकूँ। दो तलवार काफ़ी होंगी। सो भाई, गेट रेडी फॉर सम एक्शन। इतने स्टोन्स काफ़ी है मेरे ख्याल से। अब मैं लगा देता हूँ यहाँ पर क्राफ्टिंग टेबल, और मुझे बनाने पड़ेंगे सबसे पहले स्टिक्स, उसके बाद बनाऊंगा मैं स्टोन की तलवार, क्योंकि अभी मेरे पास कोई मेटल तो है नहीं, तो मुझे स्टोन की तलवार से ही काम चलाना पड़ेगा। भाई अभी मुझे अंदाज़ा नहीं है कि वहाँ कितने सारे जॉम्बी होंगे। हो सकता है कि पूरा विलेज बन चुका हो, तो वहाँ 10-12 जॉम्बी भी हो सकते हैं, या ये भी हो सकता है कि वहाँ कोई जॉम्बी ना हो। तो पता लगाने का केवल एक ही तरीका है, जाके अटैक करना। तो अभी क्राफ्टिंग टेबल का काम हो गया है तो इसे तोड़ देता हूँ। अरे भाई, टूट जा टूट जा। अरे ओह, फिर बच गया। भाई स्प्लिट कंट्रोल ही ज़्यादा सही रहता है मालूम। तो कहाँ गई मेरी तलवार? तलवार रखता हूँ, मैंने दो तलवार बना ली है इन केस कोई प्रॉब्लम हो तो गुड लक टू मी, मैं चला अटैक करने। रन। एंड हिज नेम इज जॉन सी। ओह वाओ, मुझे एक बैट में मिल गया, गजब भाई, इसी की तलाश तो थी। तो सामने दिख रहा है मुझे खेत। ओके, देखो कई दिन होगा, मकड़ी के जाले तक लग गए। ओ, किसने मारा मुझे? ओए, कौन है कौन है? ओ, ये कटीली झाड़ियाँ भाई, बहुत परेशान करती है झाड़ियाँ। वो देखो यहाँ और है, सबको तोड़ता हूँ, सब बैरीज निकाल लूंगा मैं। ओ ज़ॉम्बीज, बताता हूँ मैं तुम्हें कहाँ हो। ओ वाओ, इनके खेत का डिजाइन कितना अच्छा है भाई, बहुत अच्छा बना है। सिर्फ एक गड्ढा बीच में है जिसमें पानी भरा है, उसके चारों ओर इन्होंने बना लिए हैं पम्पकिंस और कैरेट्स। आगे देखता हूँ तो आगे में जो हो सकता है बीट रूट्स भी मिलेंगे, तो अभी तो गाजर ही मिल रहे हैं, सबको निकाल लेता हूँ। तो भाई मैंने कहा था ना कि इस सीरीज में मुझे खाने के वादे तो नहीं होने वाले। तो लीजिए इतना सारा गाजर मेरे सामने, सबको मैं निकाल लेता हूँ। देखिए शायद उस साइड और दिख रहा है मुझे, पम्पकिन नहीं रखता, पम्पकिन को निकालने का कोई फायदा भी नहीं है। तो यहाँ जाके देखता हूँ मैं कुछ है कि नहीं, पीछे किसने मारा? फिर ये बैरीज। ओहो भाई, एक पल के लिए लगता है कि पीछे से जॉम्बीज आ गए। तो किसी झाड़ी को नहीं छोड़ूंगा, मारती है ले। तो भाई यहाँ का काम का कोई चीज़ तो मुझे दिख नहीं रहा है, इसको मैं वो तो वैसे भी बना लूंगा, तो इसे मुझे रखने की जरूरत नहीं है। और घूम के देखते हैं, और देखते हैं कि यहाँ क्या मिलता है। तो यहाँ कुछ भी नहीं है, खाली है। तो इस साइड नहीं है तो इस साइड चलता हूँ मैं। तो ये घर और दिख रहा है मुझे, यहाँ आसपास कोई नहीं दिख रहा। वो देखिए, मुझे वहां एक और खेत दिख रहा है। एक और गया, अरे यहाँ एक और है। मर मर मर, कोई मरा कि नहीं? हाँ मर गया मर गया। तो अंदर जाके देखते हैं क्या मिलता है मुझे। अरे कुछ भी नहीं है यहाँ पर, सच में कितने फक्कड़ गांव वाले हैं।
भाई कुछ रखता ही नहीं, वैसे ही रख लेता हूँ मैं। अगर आया हूँ तो कुछ लूट के ही जाऊँगा। तो भाई अभी तक इस गांव में मुझे कुछ खास लूट तो अभी तक मिली नहीं, जितनी भी मिली है उनके खेतों से मिली है मुझे। तो इस साइड तो मैं आया था ना? हाँ इस साइड तो आया था मैं। हाँ हाँ वो ऊपर वाला खेत भी मैंने लूटा था। ओह यहाँ बीट रूट मिल गया, वाओ। लो बीट रूट और सीड्स की बारिश, ये सब को रखता हूँ अपने खेतों में लगाऊंगा भाई। मस्त हरा भरा और बड़ा सा खेत बनाऊंगा अपने लिए मैं, और उसमें होंगे हर तरीके के फसल। हमें कैरेट्स मिल गए, हमें बीट रूट्स मिल गए, पम्पकिन भी मेरे पास तो है ही, वीट के सीड्स तो वैसे ही मुझे मिल जाएंगे। तो एक अच्छा खासा वैरायटी रहेगा मेरे पास। अभी तक आलू मुझे नहीं मिले हैं, और वो भी आई एम श्योर कि ये विलेज है तो यहाँ कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएंगे। ओ वो बीट रूट छूट गया, उसे ले लेता हूँ भाई। अभी खाने की एक एक चीज़ की मुझे ज़रूरत है। अरे इनसे लड़ाई करते करते कब मेरा हंगर मीटर डाउन हो गया पता ही नहीं चला। तो अच्छा है इस वक्त गाजर काम आएंगे तो खा लेता हूँ इन्हें, क्योंकि भाई वैसे भी मेरे पास वैसे ही इतना सारा सामान है, अगर घूम गया तो बहुत दुख होगा, क्योंकि मेरा जो स्पॉनिंग पॉइंट है बहुत पीछे छूट चुका है, और अगर अब मरा ना तो स्टार्ट करना बहुत मुश्किल है। अरे चेस्ट मिला मुझे, इतना खुश होने की ज़रूरत नहीं है, कुछ खास है नहीं इसमें। भाई इन्होंने अपना सोना चांदी कहाँ छुपा के रखा हुआ है? गिव मी मनी गाइस, गिव मी मनी। और मेरा इन्वेंट्री भी फुल होता जा रहा है, क्या क्या चीज़ रखूँगा मैं। तो इस चेस्ट में मुझे मिले हैं कुछ लॉक्स, मुझे मिले हैं जंगल के सैपलिंग्स, पम्पकिन सीड्स मिले हैं तो इन्हें रख लेता हूँ, और साथ ही साथ इस चेस्ट को भी तोड़ लेता हूँ क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो इसे भी निकाल लेता हूँ, और मुझे क्यों लग रहा है कि धीरे धीरे रात होते जा रही है। अभी देखते हैं कि हमारे पास कितना टाइम है, अभी इस साइड का एरिया बाकी है, इसे भी सर्च कर लेता हूँ। अरे घंटी, और वो सामने मुझे मिला स्मोकर, इसे रख लेता हूँ भाई। फालतू में बनाने की मेहनत क्यों करूँ जब मेरे को बना बनाया मिल रहा है तो। अरे वहाँ ऊपर भी खेत है, वहाँ भी मैं जाऊँगा, पहले यहाँ नीचे जाऊँ, पर मुझे डर लगता है भाई। एक और चेस्ट, ओ वाओ, और ये सही हो गया भाई, ये सही हुआ कि मुझे ब्रेड मिल गए, काफ़ी सारे ब्रेड है, और साथ ही साथ 4 एमरल्ड भी है। बढ़िया शुरुआत हुई है, बहुत बढ़िया शुरुआत हुई है। काफ़ी सारे सीड्स मिल गए पम्पकिन के, उन्हें भी रख लेता हूँ। अरे भाई मेरी इन्वेंट्री पूरी फुल हो चुकी है, कहाँ रखूँ अब, जगह समझ में भी नहीं आ रहा। अब इस चेस्ट को भी तोड़ देता हूँ, चेस्ट भी रख लेता हूँ अपने पास में। तो यहाँ का तो काम हो गया, फिर बाहर निकलते हैं। देखिए अंधेरा होने लगा है, उसके पहले मुझे कोई एक जगह ढूंढनी होगी जहाँ पर मैं अपनी रात बिता सकूँ। तो इधर तो घर ख़त्म हो गए हैं, ऊपर एक खेत है वहाँ भी जाके देखता हूँ वहाँ क्या नई चीज़ें मिलती हैं, लेकिन यहाँ केवल गाजर ही है, फिर भी रख लेता हूँ क्योंकि खाने की कमी नहीं होनी चाहिए। बढ़िया, तो अब मेरे पास गाजर भी काफ़ी सारे हो गए हैं, सबको रख लेता हूँ मैं। भाई जैसे जैसे रात हो रही है ना, मेरी थोड़ी दिल की धड़कनें बढ़ते जा रही है, कहीं जॉम्बीज ना आ जाए। उससे पहले किसी एक घर में, ये घर मुझे ठीक लग रहा है, यहीं से चढ़ता हूँ मैं अंदर जाके, मुझे ये रात स्किप करनी होगी बेड में। तो भाई उससे दो चीज़ होगा कि मैं सेफ हो जाऊँगा रात भर के लिए, और दूसरी चीज़ ये कि मेरा जो स्पॉनिंग पॉइंट है वो भी सेट हो जाएगा। तो क्राफ्टिंग टेबल लगा देता हूँ, सबसे पहले मुझे बनाना पड़ेगा एक डोर ताकि अंदर कोई घुस ना सके। तो कहाँ गया मेरा क्राफ्टिंग टेबल, ये है क्राफ्टिंग टेबल, इसे लगा देता हूँ, और अब बनाता हूँ एक डोर। अरे भाई प्लैंक्स नहीं है, पहले प्लैंक्स बनाने पड़ेंगे। तो डोर बनाने के बाद अब मैं आराम से अपना जो रात है उसको स्किप कर सकता हूँ। देखिए कितना प्यारा बन गया, अब प्यारी सी गहरी सी नींद ले लेता हूँ मैं, बड़ा थक गया हूँ मैं, बहुत नींद आ रही है। वाह भाई मज़ा आ गया। अरे क्या हुआ, सवेरे हो गया भाई, ये अलार्म क्लॉक भी ना। चलो एक नया दिन चालू हो गया, अब जल्दी जल्दी से फिर से बोरिया बिस्तर समेटते हैं। अब मेरा इस विलेज को एक्सप्लोर करना थोड़ा सा ही बाकी है, तो उसे भी पूरा कर ही देता हूँ। उसके बाद हम ढूंढेंगे ऐसी जगह जहाँ हम अपना घर बना सके। अरे वो क्या चीज़ है, एकदम लाल लाल दिख रही है, कोई सी चीज़ है वो, वहाँ जाना पड़ेगा लगता है। हो सकता है कोई काम चीज़ मिल जाए। तो अब इस टॉर्च का काम हो गया, तो इसे रख लेता हूँ। अब चढ़ता हूँ ऊपर, ऊपर जाने का रास्ता ढूंढना पड़ेगा, कहाँ से, ये क्या चीज़ है सफ़ेद सी। अरे भाई कोई हिडन दरवाज़ा तो नहीं है, ओके कुछ नहीं है ये। तो चलो भाई ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि वो क्या चीज़ है।
तो यहां भी एक घर है। घर को एक्सप्लोर करना पड़ेगा, कुछ अच्छी चीज मिल जाए शायद। अरे भाई ये तो फ्लावर है, तो चेस्ट खोल के देखता हूं। क्या बात है, वाओ, हमें आयरन इंगेट्स मिले हैं, ये आयरन के बूट मिले हैं, साथ में सैपलिंग मिले हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज डायमंड का आर्मर मिला है घोड़े के लिए। तो मुझे इन्वेंटरी में से फालतू चीज हटानी पड़ेगी, जो फालतू की चीज है। और इन बूट्स का एक्चुअली ये करता हूं कि इनको पहन लेता हूं, इनको इन्वेंटरी में रखने से अच्छा है कि इनको पहन के ही चलो। तो लो भाई, मेरे आर्मर का पहला पीस लग गया, कितना अच्छा लग रहा है। अब चलता हूं और स्टिक रख लेता हूं साथ में, इसको तोड़ देता हूं चेस्ट को। भाई मैं चेस्ट तक नहीं छोड़ने वाला, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा मैं, यहां पड़ा पड़ा सड़ जाएगा, उससे अच्छा मेरे काम आ जाए भाई। बाकी के फालतू के सामान गिर गए, जो अब मैं नहीं ले पा रहा हूं क्योंकि मेरी इन्वेंट्री फुल हो गई। तो यहां पर ये घर तो मैंने एक्सप्लोर कर लिया, वहां एक घर दिख रहा है। ओके, तो वहां भी चल के देखते हैं कि उस घर में मुझे कोई माल पानी या खजाना मिलता है कि नहीं। तो नीचे तो मैंने लूटपाट मचा दी है, वो मकड़ी दिख रही है। ओके, पर दिन का समय है तो उसे अटैक तो नहीं करना चाहिए मुझ पे। अरे लेकिन वो आ रही है, वो मेरे साइड आ रही है, अरे हमारी तरफ बढ़ रही है वो। भाई कहीं ये हार्ड डिफिकल्टी कार्ड तो नहीं है। गंदी मकड़ी ले मर। तो इसका तो हो गया खात्मा, अब जाते हैं इस घर के अंदर। कहाँ से है इसका दरवाजा, कहाँ गया? अरे मैंने एक राउंड मार लिया, मुझे दरवाजा नहीं दिखा। अच्छा, इस साइड से है। ओके, तो यहाँ एंटर करते हैं, यहाँ भी एक चेस्ट है। ओ, यहाँ केवल आलू मिले मुझे, कोई बात नहीं, जैसा मैंने कहा था कि मुझे आलू भी मिलेंगे यहाँ पर, तो आलू मिल गए। अब देखता हूँ कि मेरी इन्वेंट्री में ये फिट हो सकते हैं कि नहीं, जहाँ जहाँ जो जो फिट होते हैं उन्हें रख लेता हूँ। पम्पकिन सीड्स है, उसके अलावा ये सैपलिंग है, सैपलिंग भी रख लेता हूँ मैं, ये कोई काम की चीज़ नहीं है। तो अभी तक मेरे पास चार चेस्ट हो चुके हैं, तो इस चेस्ट को भी तोड़ देता हूँ। अरे यहाँ एक क्राफ्टिंग टेबल भी है, तो क्राफ्टिंग टेबल भी रख लेता हूँ, कुछ नहीं छोड़ूंगा मैं यहाँ पर, जो मुझे मिल सकता है सब ले लूंगा मैं यहाँ से। अब बस मेरी इन्वेंट्री इतनी फुल हो चुकी है ना कि अगर मेरे को डेथ हुई तो उसके बाद भाई लिटरली खून के आंसू रोऊंगा मैं। अगर गलती से भी इतना सारा सामान मेरा गया ना तो भाई। अरे वो क्या है, अरे वाओ, अरे ये मकड़ी कहाँ से आ गई? अरे गंदी मकड़ी मार दिया मुझे, कहाँ गई वो? अरे उस साइड मुझे एक प्लेन एरिया दिखा है, वाओ उसी साइड में अपना घर बनाऊंगा। एक मस्त प्लेन एरिया दिखा है, लेकिन ओके यहाँ क्या है? ये तो बहुत बड़ा ट्रेंच है, मैं भूल के भी यहाँ नहीं जाना चाहता भाई। ओके, तो यहाँ से बर्च और ओक के पेड़ चालू हो रहे हैं, यानी यहाँ से अपना बायोम खत्म हो गया। तो वहां आप देख सकते हैं कि जंगल वाले जो टाइगर वाले पेड़ हैं वो वहां पर हैं, और अब ये मैदानी इलाका चालू हो गया, वाओ। तो भाई मैंने तो डिसाइड कर लिया है, मैं घर यहीं बनाऊंगा, बहुत प्यारा सा प्लेन सा एरिया है, यही मेरा घर बनना चाहिए। अरे एक मिनट, मुझे फिर एक चीज दिखी है, वो क्या है? वो काली सी चीज क्या है और नीचे लाल क्या है? ओके, ये तो नेदररैक है, नीचे मैग्मा क्यूब है, और वो मुझे लगता है कि आधा बना हुआ नेदर पोर्टल है। भाई ये तो बहुत क्रीपी है, ओ माय गॉड, मैंने फर्स्ट टाइम ऐसा देखा है माइनक्राफ्ट वर्ल्ड में। भाई कहीं हेरोब्राइन की साइटिंग का तो नहीं है? क्या मेरे वर्ल्ड में हेरोब्राइन है? तो भाई इसको किसने बनाया? और यहाँ एक चेस्ट भी रखा हुआ है। ओके, तो उसमें फ्लिंट एंड स्टील है, और साथ में यहाँ पर आर्मर भी है गोल्ड के। बहुत डरावना है भाई, बहुत डरावना है ये। और इसके नीचे में यहाँ पर लावा है, और ये बीच में एक क्राइंग ऑब्सीडियन भी है। भाई मुझे इस नेदर पोर्टल को पूरा करना चाहिए कि नहीं? पता चला इसको पूरा करने पे हेरोब्राइन आ गया, तो कोई बात नहीं, इसका एक्सप्लोरेशन हम बाद में करेंगे। मुझे तो बना बनाया नेदर पोर्टल मिल गया, थोड़े से ब्लॉक्स और चाहिए बस। तो भाई बहुत अच्छी बात है, मैं यहीं पर अपना घर बनाऊंगा। मुझे एक एरिया ढूंढना पड़ेगा, थोड़ा सा साफ सफाई कर दूं यहाँ पर, जिससे मुझे सीड्स मिल गए। हालांकि मेरी इन्वेंट्री फुल है इसलिए मैं ले नहीं सकता, तो मुझे कोई जगह ढूंढनी होगी जहाँ पर मैं अपना घर बनाना स्टार्ट कर सकूँ। थोड़ा सा आगे जाके देखता हूँ कि मेरे पास वाटर का सोर्स है कि नहीं आसपास। तो वहाँ आगे जाके देखता हूँ, यहाँ सामने मुझे बर्च के बहुत सारे पेड़ दिख रहे हैं। ओके, एक वाटर सोर्स भी दिख रहा है। तो यहाँ एक वाटर सोर्स भी है और वुल्फ भी है।
तो यहाँ वॉल्व भी है, तो चलो पानी का वाटर सोर्स तो है यहाँ पर, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो अब मैं बनाता हूँ अपना घर, जो कि होगा कहाँ से स्टार्ट करूँ, कहाँ से स्टार्ट करूँ भाई। यही एरिया काफ़ी प्लेन दिख रहा है, काफ़ी बड़ा एरिया दिख रहा है, तो यहीं से स्टार्ट करता हूँ मैं अपना घर बनाना। और वो पीछे टूटा हुआ मेरे को नेदर पोर्टल भी दिख रहा है भाई। मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि वो नेदर पोर्टल ये गांव वालों ने बनाया होगा, और वो उसमें से कुछ जॉम्बी निकल आए होंगे और उन्होंने इन पूरे गांव वालों को जॉम्बी बना दिया। भाई खतरनाक थ्योरी है, लेकिन पॉसिबिलिटी भी है, क्योंकि आधा बना हुआ नेदर पोर्टल पहली बार मैंने देखा। किसने बनाया होगा उसे, नेवर नो भाई। बहुत क्रिपी है, और पहली बार ओवर वर्ल्ड में मैंने देखा नेदर रैक और साथ में मैग्मा क्यूब। तो इतना बड़ा मेरे घर इनिशियली बनाने के लिए ठीक रहेगा। फिर मैं देखूंगा कि अपने घर में क्या क्या मॉडिफिकेशन मैं कर सकता हूँ। तो देखिए इसको भी यहाँ से बढ़ा देता हूँ, तो इतना ठीक लग रहा है। अब अंदर जाके एक ब्लॉक और लगा देता हूँ, तो यहाँ दरवाज़ा बन जाएगा मेरा। अब इसका सेकेंड लेवल बनाना चालू करता हूँ, तो ये देखिए इस सेकेंड लेवल की दीवार मेरी बननी चालू हो गई। मुझे लग रहा है कि इस वुडन प्लैंक्स कम पड़ेंगे, तो इसके लिए मुझे और लकड़ी तोड़नी पड़ेगी ताकि मेरा घर पूरा हो जाए। तो इस साइड का तो बन जाएगा पूरा। अभी भी मेरे पास 23 ब्लॉक्स है, 22 ब्लॉक्स है, काफ़ी है। तो ये मेरा दूसरा घर है माइनक्राफ्ट में, देखिए जो ये माइनक्राफ्ट में। पहला वाला तो मैंने निशानी के लिए छोड़ दिया था, तो अब यहाँ से ऊपर चढ़ के तीसरा लेयर भी बना देता हूँ, उसके बाद बनाऊँगा मैं छत। तो ये हो गया मेरा तीसरा लेयर, तो इसे भी जल्दी जल्दी पूरा कर देता हूँ। देखिए मेरा हंगर मीटर कितना डाउन हो चुका है, मेरा हेल्थ का लेवल भी काफ़ी ज़्यादा डाउन हो चुका है। अब बस थोड़ी देर और, केवल 3 ही ब्लॉक बाकी है मेरे पास, तो मेरे पास वुड ख़त्म हो गए। अब एक ही प्लैंक बाकी है, उसको भी यूज़ कर लेता हूँ मैं। उसके बाद मुझे फिर से लकड़ियों की ज़रूरत पड़ेगी, तो सामने मुझे एक पेड़ दिख रहा है ओक का, उसे तोड़ लेता हूँ मैं। तो इस बार मैं फिर से एक्स का यूज़ करने वाला हूँ। इस बार आप नहीं बोल सकते मेरे को कि कैसे मैंने हाथ से तोड़ा। तो भाई चप 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 भाई, लकड़ी जल्दी जल्दी टूटती जा रही है। 3-4 लॉक्स मेरे पास आ चुके हैं, मुझे और भी लॉक्स की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि मुझे अपना छत पूरा करना है और इतने में पूरा नहीं हो पाएगा। मेरे पास वुड पूरी तरीके से ख़त्म हो चुके हैं, तो ये पेड़ तो खत्म हो गया। चलिए अब मैं, पानी भी चालू हो गया, ओके पानी भी गिरना चालू हो गया और मेरी छत पूरी नहीं हुई है। क्या मैं उस पेड़ को भी काट लूँ? काट ही लेता हूँ उसको मैं, क्योंकि अभी अंधेरा नहीं हुआ है, सिर्फ पानी गिर रहा है। क्योंकि अगर मेरी छत पूरी नहीं हुई ना, तो मुझे भाई बिना छत के ही सोना पड़ेगा, जिससे मेरे पूरे सामान भीग जाएंगे और मैं कहीं बीमार पड़ गया तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं ले सकता रिस्क मैं। तो काफ़ी वुड लॉक्स हो चुके हैं, अब इसे तुरंत ही प्लैंक्स बना लेता हूँ। फटाफट रात होने के पहले मुझे बनाना है अपना छत और कंप्लीट करना है अपना घर। देखिए कितने सारे प्लैंक्स के मेरे बन गए, 40 बन गए हैं, काफ़ी होने चाहिए इतने। अब जल्दी जल्दी इन्हें लगाना चालू करता हूँ। तो ये देखिए इसको ले लिया मैंने हाथ में और फटाफट ये कंप्लीट किया इधर से। ये लगाया मैंने नीचे और ये थर्ड लेयर चालू हो गया मेरा बनना। अभी फटाक से छत बना लेता हूँ मैं, ताकि प्रॉब्लम ना हो मेरे को, और इसके बाद अब छत बनाकर इसे फाइनली कंप्लीट करता हूँ मैं। तो भाई ये दूसरा दिन काफ़ी धांसू रहा, हमने अपना घर आखिरकार बना ही लिया। दूसरे दिन इतनी सारी चीज़ें मिलने की मुझे उम्मीद नहीं थी, लेकिन आप लोग की बदौलत मुझे वो विलेज मिल गया, जिससे मिली मुझे ढेर सारी लूट्स। अब फाइनली अपना घर बनाकर मैं सेकेंड डे को एंड कर सकता हूँ। मेरी इन्वेंट्री पूरी फुल है। ओ गई, क्या हो गया भाई, जस्ट कहाँ गलत जगह लग गया। मैं एक्चुअली लगाना चाह रहा था, अंधेरा हो रहा है इसलिए टॉर्च, हर जगह टॉर्चेस लगा देता हूँ ताकि अंधेरा ना हो, क्योंकि बाहर वैसे ही पानी गिर रहा है और अंधेरा भी होता जा रहा है। तो अब मैं करता हूँ ये कि बाकी बचा छत को पूरा कर लेता हूँ, इस ब्लॉक को हटा देता हूँ क्योंकि इसकी मुझे ज़रूरत पड़ेगी। सिर्फ 8 ही ब्लॉक मेरे पास बाकी हैं, उससे 9 हो गए। इसको भी हटा लेता हूँ ताकि मेरा जो छत है वो कंप्लीट हो जाए। बस सामने का कुछ ही पोर्शन बाकी है, इसको जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लेता हूँ मैं भाई। लेकिन मानना पड़ेगा स्प्लिट कंट्रोल से इतनी जल्दी जो क्राफ्टिंग है वो नहीं हो पाती है, जो बिल्डिंग है वो नहीं हो पाती है। तो अब लगा देता हूँ यहाँ पर डोर जो मेरे पास में है,
सिर्फ एक ही जगह बाकी है, वो एक ही ब्लॉक बाकी है। पिछले घर में भी मेरे एक ब्लॉक छूट गया था यहाँ पर का, तो ये लग गया दरवाज़ा। ओ ओ, यहाँ पर गैप दिख रहा है, तो इसे मुझे फिर से तोड़ना पड़ेगा। एक ब्लॉक है मेरे पास में, किस्मत अच्छी है तो इसे लगा देता हूँ और इस डोर को तोड़ के वापस अंदर के साइड लगा देता हूँ, जिससे मेरा घर हो जाएगा पूरा। उसके बाद मैं रखूँगा अपने पूरे सामान को। भाई मैंने यहाँ घर बनाकर अच्छा तो किया ना, क्योंकि वो पीछे वाला क्रीपी एरिया मुझे भी डरा रहा है। तो अब लगा देता हूँ हर जगह टॉर्चेस, क्योंकि रोशनी तो करनी ही है। तो मेरा छोटा सा घर फाइनली तैयार हो गया, देखिए कितना अच्छा लग रहा है अभी के लिए। और अब यहाँ रख देता हूँ मैं चेस्ट, देखिए इसे बनाता हूँ लार्ज चेस्ट और उस साइड रखता हूँ। ओ ओ, फिर से गड़बड़ हो गया, ये चेस्ट बार बार मुझे ऐसे कैसे लग जा रहा है भाई। अभी मेरे पास टोटल 5 चेस्ट है, जिसमें से एक लार्ज चेस्ट वहाँ मैं लगा चुका हूँ। इसके बाद 3 पीसेस और बाकी है, एक लार्ज चेस्ट बन सकता है और एक सिंगल चेस्ट बन सकता है। तो यहाँ पर भी मैं चेस्ट ही लगाऊंगा, एक लार्ज चेस्ट और एक सिंगल चेस्ट। अब उस कॉर्नर पे मैं लगा देता हूँ अपना क्राफ्टिंग टेबल, बल्कि दोनों कोनों में मैं क्राफ्टिंग टेबल लगा देता हूँ। उसके अलावा दोनों के बीच में मेरे पास है एक फर्नेस और एक स्मोकर, सॉरी स्मोकर नहीं है भाई, वो ब्लास्ट फर्नेस है, मैं भूल कैसे गया। तो अब इस चेस्ट में केवल खाना रख देता हूँ, यहाँ केवल खाने की चीज़ें रहेंगी और खासकर जो सीड्स हैं उनको भी यहीं रख दूंगा मैं। जो दूसरा चेस्ट है उसमें रहेगा बाकी सामान, जैसे कि मेरे हथियार, जैसे कि कॉबल स्टोन्स वगैरह। अभी मेरे पास उतने सामान नहीं है, तो मैं आराम से इनको शॉर्ट करके रख सकता हूँ। तो बढ़िया, इस तरीके से ये अरेंज हो गए, देखिए। और कुछ तो बाकी है नहीं, अब बाकी को दूसरे चेस्ट में रख देता हूँ मैं। तो अब बाकी जो भी सामान बाकी है इसको अब इस चेस्ट में रख देता हूँ, जैसे कि नहीं, फर्नेस को मेरे को वापस रखना पड़ेगा, क्योंकि इसको मैं यहीं घर के अंदर रखूँगा। उस विलेज में मुझे काफ़ी अच्छी लूट मिली, जैसा मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इतनी अच्छी लूट्स मिलेंगी मेरे को वहाँ पर, लेकिन मिल गया। तो ये है फर्नेस और ये है ब्लास्ट फर्नेस, दोनों आसपास रख दिया मैंने। अब बाकी सामान को मैं डाल देता हूँ इस चेस्ट में। उसके बाद जो बाकी बेड बचा रहेगा, बेड को मैं लगाऊंगा बगल में कहीं पर, देखता हूँ उसके लिए जगह कहाँ पर है। और उसके बाद इस नाइट को स्किप करके, यानी कि यहाँ पर अपना स्पॉनिंग पॉइंट फिट करके, फिर मैं ख़त्म करूँगा इस एपिसोड को। तो बढ़िया भाई, मेरा माइनिंग किए मुझे मिल गया 5 आयरन इंगेट। यहाँ मैं देखता हूँ जगह कहाँ पर है बेड रखने के लिए, तो यहाँ रख देता हूँ मैं बेड को, ये सही जगह मुझे लग रहा है अभी फ़िलहाल के लिए। और बढ़िया, मुझे पर्पल कलर का बेड मिला है, वाकई बहुत अच्छा लग रहा है। तो भाई ये था आज का वीडियो, होप ये आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और मेरे चैनल्स गेम पोर्टल और गेम पोर्टल 2.0 दोनों को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।